गाइज़ वेलकम टू अवर चैनल गाइस जैसा कि आप सबको पता है जो टॉपिक चल रहा है हमारा वो टूर्नामेंट चल रहा है और टूर्नामेंट में जो लास्ट वीडियो अपलोड किया था मैंने वो लीग टूर्नामेंट में किया था यानी कि जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया है वो लीग टूर्नामेंट में किया है और लीग टूर्नामेंट में बताया था मैंने तीन मेथड्स तो होते हैं ड्रॉ करने के लिए फिक्सचर को लीग टूर्नामेंट के वो कौन कौन से थे साइक्लिक थे जो मैंने लास्ट वीडियो में जिसने भी मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है पहले मेरा लास्ट वीडियो देख लीजिए तभी आपको आज का वीडियो समझ में आएगा अदरवाइज आपको वीडियो समझ में नहीं आएगा तो सबसे पहले आप लोग लास्ट वीडियो देख लीजिए वहाँ मैंने बताया कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिससे आप फिक्सचर को ड्रॉ कर सकते हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि साइक्लिक मेथड होता है आज की वीडियो में बताऊंगी मैं स्टेयर केस मैथड और टैबुलर मैथड के बारे में इनसे आप कैसे फिक्सर ड्रॉ कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेयर केस स्टेयर केस मेथड में क्या क्या पढ़ना है हमको कि स्टेयर केस मेथड में फिक्सर्स ड्रॉन होते हैं ना स्टेयर फॉर्म में किस फॉर्म में फिक्सर uh, ड्रॉ होते हैं मेथड में स्टेयर्स फॉर्म में होते हैं ठीक है सेकेंड पॉइंट है इन दिस मेथड में बाई इज नॉट गिवन डज नॉट इंडिकेट द नंबर ऑफ राउंड्स इस मैथड में क्या होता है ना तो बाई दी जाती है और ना ही इंडिकेट किया जाता है नंबर ऑफ राउंड्स के तो एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है टीजी टीम में कि कौन सा मैथड ऐसा होता है जिसमें ना ही बाई दी जाती है और ना ही राउंड मतलब नंबर ऑफ राउंड्स इंडिकेट किए जाते हैं तो वो कौन सा मैथड है इस चेकेस्ट मैथड है ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा मैथड है टूर्नामेंट का मतलब लीग टूर्नामेंट का जिसमें आ, जो है बाई और नंबर ऑफ राउंड नहीं इंडिकेट होते हैं तो वो है स्ट्रे के मैथड अब मैंने एक एग्जाम्पल दिया है आपको वन टीम्स आर इवेंट अगर टीम्स इवन है नंबर ऑफ टीम्स इज है तो मैचेस कितने होंगे जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखा है मैंने कहा था जैसे आप अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा आज का वीडियो तो एक बार पहले लास्ट वीडियो देख लीजिए वहां मैंने बताया कि मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल लीग में डबल लीग में मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है तो एक बार आप देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा वैसे बता देती हूँ मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सिंगल लीग में एन एन माइनस वन बाई टू सिंगल लीग में फॉर्मूला होता है निकालने का तो अगर रा, राउंड सिक्स सॉरी नंबर ऑफ टीम सिक्स है तो मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू यह मैचेस को निकालने का फॉर्मूला है तो एन क्या है नंबर ऑफ टीम्स है यहाँ पर नंबर ऑफ टीम्स कितनी है six है है अगर आप six है, six minus five करेंगे six minus one करेंगे तो फाइव आ जाएगा एंड डिवाइड बाई कितने होंगे फिफ्टीन होंगे क्या होंगे फिफ्टीन मैचेस होंगे तो यहाँ से आपको क्या क्लियर हुआ तो आपको पता लगा कि मैचेस कैसे निकालते हैं मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू एन ब्रैकेट एन माइनस वन डिवाइड बाई टू ये फॉर्मूला है निकालने का लीग टूर्नामेंट के मैचेस को ठीक है तो यहां पता था टीम सिक्स है तो सिक्स को रखा एंड की प्लेस पर और मैचेस निकाल लिया हमने ये हमें समझ में आ गया कैसे मैचेस निकालते हैं अब देखते हैं स्टेयर के इस मैथड में अब इसमें क्या होता है ना तो बाईस होती है ना ही इसमें राउंड्स होते हैं तो अब इसको क्या ये जो फॉर्म होता है ना ये स्टेयर्स फॉर्म होता है इसको कहते हैं स्टेयर्स फॉर्म वो पहले सबसे पहली लाइन लिखी हुई थी इसमें कि स्टेयर किस मेथड में जो फिक्सचर ड्रॉ होते हैं वो स्टेयर्स फॉर्म में होते हैं स्टेयर्स फॉर्म कौन सा होता है ये स्टेयर्स फॉर्म होता है ये, ये स्टेयर्स फॉर्म है तो आपने क्या किया टोटल सिक्स टीम थी पहले यहाँ वन लिख लिया वन 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 फिर वन का टू से हुआ वन का थ्री से वन का फोर से वन का फाइव वन का फाइव से वन का सिक्स से अब सेकंड में आते हैं सेकंड का थर्ड से सेकंड का फोर्थ से सेकंड का फिफ्थ से सेकंड का सिक्स से देन थर्ड में आएंगे थर्ड का फोर्थ थर्ड का फिफ्थ थर्ड का सिक्स से हुआ फिर फोर्थ का फिफ्थ से फोर्थ का सिक्स से और फिफ्थ का सिक्स से टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए फिफ्टीन हुए आप काउंट कर सकते हो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टी एंड फिफ्टीन टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हुए फिफ्टीन हुए जो कि हमने कैल्कुले कैलकुलेट ट किया गया था एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू यहाँ से हमने निकाला कितने मैचेस आए थे मैचेस आए थे टीम्स सिक्स टीम्स थी तो बस यही नंबर होता है पहले आप वन लिख लीजिए वन के साथ सारे मैचेस करा दीजिए देन सेकेंड देन थर्ड देन फोर्थ फिफ्थ जितनी भी टीम्स है अब हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एक में आपके सामने कैलकुलेट करके दिखाऊंगी कि कैसे उसके मैचेस कैलकुलेट करेंगे और कैसे उसका फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तो इफ टीम्स आर फाइव यदि फाइव टीम्स हैं तो कैलकुलेट करना मैचेस और ड्रॉ करना फिक्सचर इन स्टेकेट्स मेथड में अब क्या फॉर्मूला था मैचेस को निकालने का मैचेस को निकालने का फॉर्मूला था एन 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 माइनस वन डिवाइड बाई टू एन क्या यहाँ पे नंबर ऑफ टीम्स कितनी है फाइव है अब फाइव माइनस वन डिवाइड बाई इज फाइव इन फोर बाई टू टू इक्वल्स टू टेन टोटल मैचेस कितने होंगे टेन होंगे अब हम बनाते हैं स्टेयर फॉर्म में वन टू थ्री फोर देखते हैं पहले वन का कर कराएंगे वन टू थ्री फोर सॉरी वन 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 का पहले टू से होगा वन का थ्री से होगा वन का फोर से होगा वन का फाइव से होगा हो गया अब सेकेंड का कराएंगे सेकेंड का थर्ड से होगा सेकेंड का फोर्थ से होगा सेकंड का फिफ्थ से होगा अब थर्ड का फोर्थ से होगा थर्ड का फिफ्थ से होगा देन फोर्थ का फाइव से होगा ठीक है तो वन ये था सेकेंड एंड देन थर्ड थोड़ा सा फोर्थ थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ये ये फॉर्म हुआ स्टेयर इस मेथड निकालने का फॉर्मूला ये रहा ऐसे फार्मूला निकाल ऐसे मैचेस निकाल सकते हैं और स्टेयर जैसे अगर फिक्सचर ड्रा करना हो बस आप ऐसे स्टेयर्स बनाकर और ऐसे फिक्सचर ड्रा कर सकते हो बहुत ही ईजी होता है ना तो इसमें राउंड्स का है ना ही इसमें बाईस का है कुछ भी नहीं है सीधा बस फॉमूला याद है आपको लर्न है अगर आपको मैचेस का एन एन, एन माइनस वन डिवाइड बाई टू करिए जितनी भी टीम्स हैं उसको पुट करिए एन की प्लेस पर और फार्मूला फॉर्मूले के थ्रू मैचेस निकाल के फिर आप काउंट कर सकते हो टेन मैचेस हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन टेन मैचेस हैं ठीक है तो ये सिंपल सा था आई होप आपको इस क्या इस मैथड समझ में आ गया क्योंकि ये बहुत ही ईजी है ठीक है इसमें नई बाइस होती है नई नंबर ऑफ राउंड्स होते हैं अब हम देखेंगे टेबुलर मेथड टेब्युलर मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है लेकिन लगता है ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी आप एक दो बार बनाओगे आपको ये भी अच्छे से लर्न हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैब्युलर मेथड को टेबुलर मेथड में क्या होता है इन टेब्युलर मेथड फिक्सर इज ड्रॉन इन अ ट्रेबुलर फॉर्म विथ कॉलम्स अब टेब्युलर मेथड में क्या है जो ड्रॉ टैब्यर फॉर्म में होते हैं कॉलम्स के साथ अब फॉर इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए ये आप लोग अच्छे से देखना पॉइंट इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए क्या होगा कॉलम एन प्लस वन होंगे एंड इज नॉट गिवन ये याद रखिएगा पॉइंट कि इवन नंबर ऑफ टीम्स के लिए कॉलम जो होगा एन प्लस वन होगा और बाई नहीं दी जाएगी और फॉर और नंबर ऑफ टीम्स के लिए क्या होगा कॉलम एन प्लस टू होंगे और बाई विल बी गिवन बाई दी जाएगी ठीक है याद रखिएगा जैसे कि अब हम बताते हैं आपको टीम सिक्स है सिक्स टीम्स है तो कॉलम्स कितने होंगे यहाँ में एग्जाम्पल तो कॉलम कितने होंगे सिक्स प्लस वन यानी कि सेवन कॉलम्स होंगे और अगर टीम यहाँ पर होती टीम यहाँ पर फाइव टीम्स होती और नंबर की टीम होती तो क्या होता फॉर्मूला एन प्लस टू एन प्लस टू मतलब फाइव प्लस टू देट इज सेवन तब भी सेवन कॉलम्स होते ठीक है थीके? तो ऑर्ड के लिए क्या होता है कॉलम्स एन प्लस टू और इवन के लिए एन प्लस वन और याद बाई नहीं होती है ऑड में बाई होती है ऑड में बाई होती है इवन में बाई नहीं होती है और, और, और फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन होता है कॉलम के लिए और इवन के लिए और ऑड के लिए एन प्लस टू होता है अब टेबुलर फॉर्म में कैसे मेथड को करते हैं ड्रॉ तो देखते हैं अब क्या है वन टीम्स आर सिक्स अगर सी टीम सिक्स है देन कैलकुलेट करिए राउंड्स मैचेस ड्रॉ कर रहा है ना रेगुलर इन सारा टेबुलर फॉर्म में ठीक है अब मैचेस को निकालने का फॉर्म लगा था हमें अच्छे से याद हो गया है कि एन एन माइनस वन डिवाइड बाई टू है एन क्या है नंबर ऑफ टीम्स कितनी है सिक्स है उसको पुट कर दिया एन के बेस पे देन सिक्स माइनस वन डिवाइड बाई टू सिक्स किया माइनस फाइव इंटू टू फिफ्टीन मैचेस मैचेस कितने होंगे फिफ्टी होंगे अब राउंड्स कितने होंगे राउंड्स को निकालने का फॉर्म लगा था आपने जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है एक बार देख लीजिएगा मैं बार बार बोल रही हूं तब भी आपको समझ में आ पाएगा मैंने बताया था अगर इवन नंबर ऑफ टीम्स होती हैं तो एन माइनस वन होता है और ऑड नंबर ऑफ टीम होती है राउंड निकालने के लिए तो एन ही होता है जितनी टीम्स होती हैं उतने ही राउंड्स होते हैं और अगर इवन नंबर की टीम है तो एन माइनस वन हो जाता है यानी कि सिक्स माइनस वन देट इज फाइव राउंड्स होंगे और कॉलम को निकालने का फॉर्मूला क्या था यहाँ यहाँ क्या है टीम टीम यहाँ पर क्या है सिक्स है सिक्स क्या है इवन है इवन के लिए फॉर्मूला क्या था इवन के लिए क्या फॉर्मूला था एन प्लस वन था लेकिन उसमें कोई भी बाई नहीं थी तो क्या है यहाँ पर सिक्स है सिक्स है तो सिक्स प्लस वन कर देंगे दैट इज सेवन कॉलम सेवन कॉलम आ गए अब आप लोग क्या करेंगे पहले तो सेवन कॉलम बनाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन कॉलम बना लिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन बन गए कॉलम्स बन गए अब टीम्स कितनी है सिक्स टीम है तो यहाँ पे टीम टीम वन टीम टू टीम थ्री टीम फोर टीम फाइव टीम सिक्स एंड सेम हम यहाँ पे भी ऐसे लिख देंगे टीम वन टीम टू टीम थ्री टीम फोर टीम फाइव टीम सिक्स अब टीम टू से स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आप लोग कैसे लिख लोगे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव टीम हो गई देन टू के नीचे थ्री थ्री के नीचे फोर फोर के नीचे फाइव ये वाली जगह भी आप लोग खाली छोड़ दोगे ठीक है फिर फोर के नीचे फाइव फाइव के नीचे फिर वन और फिर वन के नीचे टू अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ आपको समझ में नहीं आया होगा कि फाइव के बाद टू क्यों आया वन के बाद फोर क्यों आया टू के बाद वन क्यों आया क्यों आता है क्योंकि पहले आपने फाइव लिख लिया यहाँ पे समझ में आ गया होगा वन टू थ्री फोर फाइव अब यहाँ पे क्या करना होता है पहले हम जितनी भी जैसे कि सिक्स है सिक्स है सिक्स टीम्स है तो इसमें इवन नंबर कौन कौन से होंगे टू और फोर इवन होगा और फाइव में क्या और इसके पहले और नंबर कितने होंगे सॉरी से वन और थ्री हो गए थ्री और फाइव होंगे ठीक है तो फाइव हम ऑलरेडी लिख चुके हैं पहले आ जाएंगे इवन नंबर यानी कि टू और फोर देन और लिखेंगे और कौन कौन से बचे वन और थ्री बस सिंपल बन गया ये सिंपल सा था फॉर्मूला ऐसे बनते हैं टेबुलर फॉर्म ये था ऐसे आप टेबुलर फॉर्म को फिक्स ड्रॉ कर सकते हो इतना इजी मेथड था क्या था बस कॉलम के लिए याद रखिएगा कॉलम के लिए अगर इवन है तो एन प्लस वन और है तो एन प्लस टू राउंड के लिए अगर इवन है तो एन माइनस वन और अगर ऑड है तो एन सिंपल सा है अब मैं आपको एक फिक्सर ड्रा करके दिखाती हूँ वो है होता एक फिक्सर ड्रा करती हूँ वेन टीम्स आर फाइव इफ जब टीम फाइव्स हैं तो कैलकुलेट करिए राउंड मैचेस बाई ड्रॉ करो फिक्सर ना टेबलर फॉर्म बहुत ईजी है इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं चलिए देखते हैं इसको कैसे ड्रॉ किया जाएगा तो सबसे पहले क्या करना होगा इसमें आपको राउंड निकालने पूछा है तो राउंड्स के लिए फॉर्मूला क्या था बता चुकी हूं कि अगर इवन होगा तो एन माइनस वन होगा और अगर ऑड है तो एन यानी कि टीम्स फाइव है तो राउंड्स भी फाइव ही होंगे ठीक है अब क्या निकालना है मैचेस मैचेस को निकालने का फॉर्मूला क्या है एन मैचेस को निकालने का फॉर्मूला है एन एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू तो यहां पर एन क्या है फाइव है और एन माइनस वन यानी कि फाइव माइनस वन डिवाइडेड बाई टू दाइव इन टू फोर बाई टू टू करेंगे फाइव टू जर टेन टेन मैच हो जाएंगे मैचेस निकाल लिए हमने अब बाई कितनी होगी वन बाई होगी हम्म और कैलकुलेट कर लिया हमने राउंड कैलकुलेट कर दिया मैचेस कर लिए अब कॉलम्स कितने होंगे कॉलम्स को निकालना है हमें कॉलम्स ऑड के लिए कितने होते हैं एन प्लस टू होता है एन क्या है फाइव दैट इज फाइव प्लस टू यानी कि सेवन सेवन हो गए कॉलम्स अब हमें सब कुछ पता लग गया क्या कितना होता है अब हम फिक्सर ड्रॉ करेंगे फिक्सचर ड्रॉ करने के लिए कॉलम्स कितने बनाएंगे पहले हम सेवन कॉलम्स बना लेंगे थोड़ा रफली बना रही हूं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन हो गया ये सिंपल अब इसको ऐसे करके बार क्रॉस करना हो वेट वेट इतना आप लोग कर लोगे और हम लोग टीम बता टीम देखते हैं टीम वन हो गई टीम टू हो गया टीम थ्री टीम फोर टीम फाइव टीम फाइव हम लोग इसलिए लेते हैं हम लोग एक एक्स्ट्रा क्यों ले जाता है क्योंकि यहाँ पर बाई होती है इसमें बाई आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर ऑड है तो आप लोग एक बाई लोगे उसमें देखिए लिखा है फॉर ऑड नंबर ऑफ टीम्स कॉलम एन प्लस टू होंगे और बाई विल बी गिवन बाई विल बी गिवन होगी बाई सबसे कहाँ देखेंगे सबसे लास्ट में देखेंगे हम लोग सबसे लास्ट वाला जो कॉलम होगा यहाँ पे बाई दी जाएगी ठीक है अब स्टार्ट अब ऐसे यहाँ पे भी कर देंगे टीम वन टीम टू टीम थ्री टीम फोर टीम फाइव एंड बाई दे अब स्टार्ट करेंगे मैच क्या होगा? फिर यहां से स्टार्ट किया थ्री के नीचे फोर फोर्थ के नीचे फाइव फिर यहाँ पे देखेंगे थ्री फोर फाइव फाइव के नीचे वन फिर वन के नीचे टू ठीक है अब यहाँ क्या होगा पहले आप इवन नंबर देख लीजिए टू कॉमर फोर टू सॉरी फोर फिर वन एंड थ्री और इतना सिंपल सा है बस ये बन गया ऐसे बनाना है बस इतना याद रखना है कि अगर ऑड नंबर ऑफ टीम है तो बाई देना है और नंबर ऑफ कॉलम एन प्लस टू रहेंगे और अगर इवन नंबर ऑफ टीम है तो कॉलम कितने रहेंगे एन प्लस वन रहेंगे और कोई भी वाई गिवन नहीं होगी बस इसी में कंफ्यूजन हो जाता है तो आप लोग एक दो बार ऐसे ही बना कर देखोगे कन्फ्यूजन भी दूर हो जाएगा ऐसे ही आप लोग दो बार और ड्रॉ करना जैसे कि मैंने आप बनाया सिक्स और फाइव का आप लोग बना के देखना सेवन और एट का आप जितने बड़े बनाओगे ना उतने ही आपको क्लियर हो जाएगा और अगर कोई भी दिक्कत आए इसके बावजूद भी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पे जिसने फॉलो नहीं किया है गाइस फॉलो कर लीजिए मैं डेली क्वेश्चन डाल रही हूँ और आपके लिए वो क्वेश्चन बहुत ही जो भी प्रपरेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी एनवीएस केवीएस की तो गाइस फॉलो कर लीजिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डेली अपडेट कर रही हूँ अपलोड करती हूँ इंस्टाग्राम पे डेली क्विज चलती है फाइव टू सिक्स क्वेश्चन डेली अपलोड होते हैं तो गाइड्स मुझे फॉलो कर लीजिए मेरा इंस्टाग्राम पेज है एजुकेशनल यूट्यूबर और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लिया करिए और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है ना तो एक कॉमेंट करके ज़रूर कुछ बता दिया करिए कि वीडियो कैसी लगी फीडबैक दे दिया करिए इस लेक्चर के बाद तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी आपकी चैलेंज टू अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो टूर्नामेंट पर ही आती है देखते हैं कौन सा लेते हैं चैलेंज टूर्नामेंट पर आएगी वैसे चैलेंज टूर्नामेंट कितने टाइप के होते हैं क्या क्या उसमें होता है तो तब तक के लिए बाय बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग सो बाय